है ये वाला हाँ। लेकिन भाई कुछ टाइम बाद यहीं स्कूल में मर जाएगी ना, नहीं तो कल गांव की भी बेबसी देख लो भाई। ऐसे ही घर मतलब पुराने पुराने। गांव में आने के बाद में आज दूसरा दिन है, दूसरी बार ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज धूप निकल गई है, सबसे अच्छी चीज़ ये है, मतलब कि कल तक जिस तरीके से मौसम हो रखा था ना, वो थोड़ा उससे छुटकारा मिल गया, यानी कि बारिश बुरिश जो बार बार हो रही थी वो चली गई यार। यार साथ में ये धूप आने के बाद में ऐसा खिलकी आ रहा है भाई, ऐसा ही खिलकी आ रहा है, जस्ट लुक एट हियर ना, क्या नीला आसमान है। आज उत्तरकाशी जाने का प्लान था लेकिन कैंसिल कर दिया। कैंसिल इसलिए किया कि थोड़ा बहुत कल शाम के टाइम पर मुझे ये लग रहा था कि बारिश होगी कल के टाइम पे, मतलब आज के दिन पे, लेकिन आज यार आज तो धूप लग गई, मतलब गजब यार, मौसम ने भी बहुत अच्छा कर रखा है। तो मैंने दरअसल कैंसिल इसी वजह से किया, मुझे लगा कहीं ये ना हो जाए कि मैं यहाँ से निकलूँ और बारिश हो जाए ना, तो आज थोड़े से ये रजाई हमारे केसी की है सुखाने डाल रखी है और मम्मी देखो, मम्मी आज सुबह सुबह बिल्कुल टन बन के सब सवार के पता नहीं कहाँ जाना शुरू कर दिया। टन की मैं वो तो काम करो सुबह उठे टन बना टाइम से मैं मया चल खा। हाँ तो ये खाना खुना अपना नाश्ता नुश्ता करेंगे आज के लिए। सुबह सुबह मैं क्या करता हूँ, डेली जाता हूँ रनिंग के लिए डेली, ठीक है, और थोड़ा एक्सरसाइज कर दिया। मैं तुम्हें बॉडी दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ बाबा, अरे यार कहाँ है, कहाँ है ये देखो, है ना अच्छी थोड़ा घी धर यार, हमारे बिना घी का नहीं खाना, मम्मी को समझ नहीं आ रही है था। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है, काफ़ी अच्छी तरीके से, आज मुझे लगता है कहीं पर जाने का ही बन सकता है, देखते हैं ना। अभी कोई फिक्स है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं, प्लान करके चलते हैं कि कहाँ पर जाने का क्या बनता है। जंगल में तो नहीं जाने वाला हूँ भाई, थोड़ा बहुत गांव में चलेंगे, गांव दिखाएंगे और उसके बाद में प्लान देखते हैं कहाँ का बनता है। घर पे नाश्ता कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा सा आज आया हूँ दूसरे गाँव की तरफ में घूमने के लिए। लुक एट दिस विलेज ना, क्या ब्यूटी है भाई। ये दरअसल उकाल गाँव है जो कि हमारे ही गाँव का हिस्सा है वैसे, ठीक है। हमारे गाँव के 5 हिस्से हैं, 2 हिस्से वहाँ पर है, मतलब 2 गांव वहाँ पर है, एक ऊपर चोटी में और एक वहाँ पर बीच में, लेकिन वो गांव ख़त्म हो चुका है मतलब, और ये उकाल गांव। और ऊपर में ये जंगल देखो, जंगल कितने घने हैं ना, पूरे बांज बुरांस और काफल के जंगल हैं। और ये वाली चोटी है पितरधार वाली, जहाँ पर कि अभी के टाइम पर आके खड़ा हूँ मैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी देखते हैं गाँव में जाऊँगा, अगर वो दादा रहते हैं जिनसे जाना है मुझे मिलने के लिए, अगर वो रहते हैं तो गाँव में जाएंगे, अदरवाइज सीधा आगे को चले जाएंगे। और आगे थोड़ा सा घूम के आते हैं स्कूल की तरफ से होते हुए, सीधा आगे को चले जाएंगे फिर। बिल्कुल आज मौसम बिल्कुल अच्छा तरीके से खुला हुआ है ना, तो बिल्कुल उकाल गांव के ऊपर मैं आ गया हूँ, और उकाल गांव को नज़दीक से ऐसे दिखाई देता है भाई, ये है उकाल गांव। तो उकाल गांव में भी सिर्फ बूढ़े लोग रहते हैं ज़्यादातर, मतलब कि जवान लोग बहुत कम हैं, जवान लोग बाहर चले गए हैं जॉब और पढ़ाई करने के लिए ना, तो जितने भी हैं आधे ज़्यादा मतलब बूढ़े लोग हैं, मतलब 90% यहाँ पर सिर्फ बूढ़े लोग हैं। और एक वो दादा देखो, दादा आ रहे हैं ऊपर से, उनका मंदिर बना होगा ऊपर में, तो अपना सामान सामान ऊपर से फटड़े फटड़े सब कुछ नीचे लेके आ रहे हैं भाई, बढ़िया। दुकानदार भी हैं दरअसल दादा, और वो सामने दिखाई दे रही है पितरधार वाली चोटी। इस पहाड़ी के पीछे एक पहाड़ी है और उसके पीछे एक और पहाड़ी है जिसके पीछे अपना गाँव बसा हुआ है। देख रहे हो दादा को क्या कड़क है, देख रहे हो बुढ़ापे में मतलब चूना चूना सब कुछ करके इतना पटड़े पटड़े लेके आ गए हैं मेरे लगो ना उठ दे चल गया जान सवेर लेके ना तो फिर पे लो घर में छत पर डेंट प्रूफ ताकि डम पेंट लगाया इस पे ना प्लास्टिक वाला, हाँ जिससे कि वो प्लास्टिक वाली लेयर जम जाती है और पानी का मतलब सेम वाल हो गया, कुछ भी जमता नहीं है मतलब। अच्छा काम खत्म हो गया। अच्छा अच्छा वो बाण छाया। अच्छा तो ये मंदिर दरअसल चरगाड़ के आनंद दादा है ना, जो जिन्होंने हमारे घर घर भी बनाया था मेरे दादा के साथ में, उन्होंने ही बनाया ये भी। मंदिर अच्छा बनाया, मंदिर अच्छा है ना, जगह कम। हाँ बहुत भीतर था। अच्छा अच्छा ये जो पक्का चट्टान इससे काफी अंदर है तो। अच्छा अच्छा तो यहाँ पर भी माल्टा आड़ू ठीक है संतरा हो गया, बहुत अच्छा होता है यहाँ पे भी, जैसे अपने गांव में होता है ऐसे ही। हाँ। अच्छा तो हमने कई रुपए खर्च करे कुछ नहीं,
कई रुपए अच्छा आता ये हमारे सबसे बड़ा लड़का आता था पेंशन वो खत्म होता है 2.5 साल का वो निकलता गया अच्छा फिर हमने ये काम किया अब वो इधर उधर जा रही है अच्छा अच्छा पहले चलते हैं थोड़ा सा नीचे घूम के आते हैं और वो है यहाँ का पंचायत वो वाला ना वो जो वो घर दिखाई दे रहा है तो जितने भी काम होते हैं वहीं पर होते हैं मतलब जो गांव के पंचायती काम होते हैं और यहाँ देखो तुम ओ दादी आज मैं तुम्हारे घर आ गया ये देखो दादी बिल्कुल अरे गजब दादी लिपाई पुताई करने को लगी है भाई पर मतलब ब्याली ब्याल ब्याली पर परसी मतलब परसी आगे चाहो हाँ तो परसी आगे चाहो अच्छा। तो दादी बिल्कुल लिपाई पुताई कर रही है भाई अच्छे से बिल्कुल तम से बना के रख रही है घर को सिलाप आनो क्या सिलाप आ रहा है दरअसल ना बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना इस वजह से ये देखो तुम ब्लीचिंग ब्लीचिंग डाल के आए हाँ गथड़ा हो जाती है सही है सही है तो ब्लीचिंग पाउडर डाल रखा है दादी की कोठड़ी है मतलब कि हवेली है दादी की नहीं है दादी मस्त दादी अकेली ही रहती है दरअसल गांव में ठीक है दादी कारा हाँ तो हम चलते हैं नीचे नीचे दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ें तो ये रही भाई दादा की दुकान दादा यहाँ पे मस्त तरीके से दुकान चलाते हैं तो दादा ने भी अच्छा खासा सामान रखा है गांव के हिसाब से नहीं है और यहाँ से दिखाई दे रहा है मंदिर वो जो ये दिखाई दे रहा है ना ओकाल गांव में जो बना है तो वो बना है मंदिर वहाँ पर जा रखे थे दादा ओकाल गांव की भी बेबसी देख लो भाई ऐसे ही घर मतलब पुराने पुराने ये भी टूटने लग गया है ऊपर में भी था एक बहुत प्यारा घर वो भी वैसे ही हो गया पूरा खंडर सा ना कोई नहीं है भाई गांव में कोई नहीं जैसे अपने गांव का हाल है वैसे ही हो रखा है यहाँ पे देख रहे हो मतलब सिंगल इंसान की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है जैसे अपने गांव के हाल हो रखे हैं ना वैसे ही मतलब कोई नहीं भाई कोई नहीं और जब अपने यहाँ पे बाग लगा था ना तो पिंजरा यहाँ पे लगा रखा था फॉरेस्ट वालों ने ना बाघ को पकड़ने के लिए ये भी इधर भी टूट गया एक घर इधर था वो भी टूट गया शायद देखो ये भी टूट गया ये वाला है अभी तो चलते हैं यहाँ से पता जब भी हम कहीं पर घूमने जाते हैं ना तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ें होती है गौर करने वाली चीज़ें होती हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या दिखा रहा हूँ मतलब ऐसा क्या यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ भाई यूनिक चीज़ पता क्या है ये देखो आपको यहाँ से वीडियो में लग रहा होगा सिर्फ ग्रीनरी लग रही होगी लेकिन ऐसा नहीं है भाई यहाँ पर दरअसल पाइन का ना एक मतलब जंगल ग्रो हो रहा है ठीक है और इसी के बीच में यहाँ पर पता कितने पेड़ हो रहे होंगे कम से कम 80-90 पेड़ हो रहे हैं मतलब ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे ना बहुत प्यारा भाई अभी के टाइम पर नदी में पानी देखो पानी कितना कम है और जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें क्या उफान पे आ रही थी ना नदी लेकिन पता क्या है अभी के टाइम पर इतना भी पानी है तो बहुत है यार ये पानी मतलब कम नहीं है दरअसल काफ़ी पानी है क्योंकि अदरवाइज़ होता क्या है बारिश अगर अच्छी ना हो रही हो हफ्ते भर भी अगर अच्छी ना हो यहाँ पर नॉर्मली पानी मतलब दिखना बंद हो जाता है जाने का मन है नीचे लेकिन यार रास्ता नहीं है दरअसल नीचे जाने का पूरी कंडली हो गई ना यहाँ पे यानी कि नटल घास हो गई यार लगती है बहुत तेज़ इसलिए नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे नहीं तो जाते थोड़ा देर बैठते पानी में पाँव डुबा के रखते दिमाग पर ठंडक आ जाने की अभी मैं क्या कर रहा हूँ सीधा घर को निकलते हैं घर को निकलने का मतलब थोड़ा उस साइड में चलते हैं और यहाँ पर एक पेड़ लगाया था पीपल का पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है शायद हो जाएगा नहीं कूंप आ गई ना उस पर तो मुझे लगता हो जाएगा एक पीपल का पेड़ अपने इस एरिया में दरअसल पीपल नहीं होता है उसका रीज़न है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है ना कल हुआ क्या ना कल मैंने यहाँ पर एक गाय देखी थी स्कूल में तो मेरे दिमाग से ही निकल गया कि उसे गेट खोल देता हूँ कल पूरे दिन भर याद ही नहीं आया यार तो वहाँ पर वो गेट बंद करके रखा है यहाँ देखो ये गाय छोड़ रखी है अंदर में पता नहीं किसने छोड़ रखी है जब तक यहाँ पे घास घूस है तब तक तो ठीक है लेकिन भाई कुछ टाइम बाद यहीं स्कूल में मर जाएगी ना नहीं तो उसको ऐसे करते गेट खोल देते जिससे बाहर निकल पाए
रुक जा। मुझे लग रहा बहुत टाइम से भाई अंदर, यहाँ पे देखो गाय की क्या हालत हो रखी है यार। मतलब छोड़ना है छोड़ लो, लेकिन ऐसे मत करो। चल मारने को आ रही है भाई। एक लकड़ी चाहिए होगी जिससे कि इसको, चलो ये इधर चली गई, ठीक है। हम क्या करते हैं उधर से गेट खोल देते हैं वो वाला, जिससे कि ये बाहर निकल पाए ना। ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए यार। अब यहाँ पर ये देख के लग रहा है ना कि मुझे लग रहा बहुत टाइम से भाई यहाँ पे, बहुत टाइम से। तो ये गेट देखो, गेट बंद कर रखा है यहाँ पे। ये स्कूल के अंदर मर जाएगी, मतलब देखो देख रहे हो कैसे बंद कर रखा है। गेट खुलेगा भी कैसे, ये पत्थर जो रखा है यहाँ पे, गेट खुलेगा ही नहीं। सिंपल सी चीज़ है ना। गेट खोल देते हैं ये वाला। यार गलत कर रखा भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है पापों में कैलकुलेट होगा भाई। मतलब एक गाय को ऐसे बांध रखा अंदर, कब तक चरेगी यार, ना तो पानी है यहाँ पे ना कुछ है। तो वहाँ पर जा रखी है गाय, अपने आप ही चली जाएगी। तब जिस टाइम पे उधर को जाएगी ना चरने के लिए, तब अपने आप ही चली जाएगी। मतलब ये सही नहीं है यार जो ये कर रखा है ना, क्योंकि गाय को ऐसे बांध के रखना, और ठीक है यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएगी कुछ टाइम बाद, वो भी स्कूल है, स्कूल में कर रखा है ऐसी चीज़, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। तो जो भी है अपने आप ही चली जाएगी अब तो। और साथ में अभी मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ने व्लॉग इन्जॉय किया होगा। और मुझे कल खोल देना चाहिए था यार, कल मेरे ध्यान में ही नहीं आया खोलने का ना। बोल तो रहा था मैं, लेकिन पूरे दिन भर ध्यान ही नहीं आया फिर। तो अभी जो भी है ठीक है, मतलब सही किया। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने व्लॉग इन्जॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।